हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे रसम, वो भी इमली से, बिना कोई मसाले के। ज़्यादा काम झाम नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा टेस्टी रहता है अगर आप बनाएंगे ना, तो खाएंगे कम और पियेंगे ज़्यादा। तो इसके लिए सबसे पहले इमली को अच्छे से धो के भिंगो के रख देते हैं आधे घंटे के लिए। तो जब ये आधे घंटे के बाद बहुत सॉफ्ट हो जाती है, तो इसके बाद हाथों से कुछ इस तरह से अच्छे से मसल मसल कर उसका पल्प अलग कर देंगे, और जितना अपन को पानी चाहिए इतना पानी मिला के हम इसको साइड में रख लेते हैं। अब इसके तड़के के लिए गैस ऑन करके कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर, जब तेल गर्म हो जाए तो 8 से 10 कलियां लहसुन की, आधा चम्मच सरसों, थोड़ी सी जीरा और थोड़ा सा मेथी दाना। मेथी दाना कंपलसरी डालिएगा, इससे टेस्ट रसम का बहुत अच्छा आता है। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाए तब इसमें थोड़ी सी कड़ी पत्ता और सूखी लाल मिर्च को ऐसे बीच से काट दिया है, 3 से 4 सूखी मिर्च को डालकर सिम में रखना है। पूरी तड़के पूरी सिम में धीरे धीरे फ्राई करेंगे। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाए तब इसमें हम थोड़े से प्याज के टुकड़े डाल देते हैं। अब प्याज के भी टुकड़े देखिए, अच्छे से लाल कलर होने के बाद इसमें जो हमने इमली का पानी निकाल के रखा हुआ था उस पानी को डाल देते हैं, और इसमें अब स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे, और इनको आपस में मिलाकर एक बार चख लीजिएगा कि नमक और खट्टापन कैसा है, क्योंकि एक बार उबलने के बाद डालने से उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। एक बार मिलाने के पहले, उबलने से पहले पानी और नमक बराबर होगा तभी टेस्ट अच्छा लगेगा। अब आज को पूरी तरह से सिम में रखेंगे, सिम में रख के ही उबालेंगे, क्योंकि जितना हाई में करेंगे तो 2 मिनट में उबल जाएगा लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा आपको। तो सिम में धीरे धीरे जब वो पकता है तो बहुत अच्छा लगता है। जब ये उबलने लगे तो सिर्फ 2 मिनट उबालेंगे, उसके बाद गैस बंद करके थोड़ा सा इसमें हींग डाल देना है। मतलब गैस बंद करके ही इसमें हींग डालने से हींग का जो टेस्ट है बहुत अलग और अच्छा आता है। अब इसको ढक्कन लगा के कम 10 मिनट छोड़ दीजिए, फिर आप इसको गरम गरम खाइए, बहुत मज़ा आएगा।